मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि शून्या टर्मिनल कैसे डाउनलोड करेंगे और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट कैसे देखते हैं और इसी के साथ ही बाई और सेल के आर्डर कैसे लगाते हैं और साथ में हम यह भी देखेंगे कि ऑप्शन चैन वगैरह कैसे यूज करते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। तो चलिए शुरू करते हैं। कर लेते हैं कि ट्रेडिंग टर्मिनल किधर से डाउनलोड करना है, तो अपन गूगल पर सर्च करेंगे फिनवेजिया और जो भी पहले नंबर पर खुलेगा ये लिंक finvisia.com, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर टूल पे जाएंगे और ये डाउनलोड पे जाएंगे और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और ये जो लिख रखा है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, यहाँ पर ये जो विंडोज़ का आएगा ना, अगर आपके पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है और मैकबुक है तो मैकबुक पे क्लिक करेंगे, जैसे विंडो है तो विंडो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर ये 48 MB का है मात्र, बस इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद ये आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, ये जो पीला कलर का आइकन देख रहे हैं ये जो डबल क्लिक करेंगे, अब आप देख लो ये किस तरह से खुलता है। ये इसकी ये है कि ये खुलता बहुत स्लो है, अगर 9:15 पे बाजार खुलता है तो आपको 9 बजे ही खोल के रखना है सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये बहुत लेट खुलता है। और ये कैसे ओपन होएगा मैं बता देता हूँ, जो भी आप डीमैट अकाउंट खुलाएंगे उसमें आपको यूज़र आईडी मिली जाएगी, जैसा कि ये जो मेरे पहले नंबर के कॉलम पे जो ये जो आप देख पा रहे हो ये मेरी यूज़र आईडी आपको डीमैट अकाउंट खुलाने पर मिल जाएगी और पासवर्ड आप बना ही लोगे। तो इसको क्या है कि जैसे कि ये खुला है इसमें 3 कॉलम आ रहे हैं, तो ये आपको पहले गेट OTP पे क्लिक करना है, जो ये ब्लू कलर का दिख रहा है ये यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपन को डालना है अपने पेन नंबर कैपिटल लेटर में। तो मैं डाल कर बता देता हूँ, पेन नंबर डालने के बाद जनरेट पे क्लिक करेंगे तो ये OTP जाएगा आपके मेल आईडी पे, जो भी आपने मेल आईडी जो आधार कार्ड से लिंक है आपके या फिर जो आपने इसमें जो मेल डीमैट अकाउंट खुलाते वक्त दी थी वो। तो अब अपना जीमेल आईडी अपन खोलेंगे, यहाँ पर उस पर एक OTP गया होगा और OTP आएगा अपने अपडेट के अंदर, जो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये जो मेल आईडी खुलती है तो यहाँ पर जो अपडेट का कॉलम होता है ना, यहाँ पर नो रिप्लाई के फोल्डर से आएगा ये नो रिप्लाई, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो अभी का समय से मैच कर लेंगे जो अभी जस्ट आया ही होगा। तो ये देखो ये आ गया है OTP, OTP 5 अंक का होगा और ये गणित की संख्या में होगा, मतलब ये ABCD वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहेगा, ये गणित की संख्या में होगा 492 ऐसा इस तरह से, ठीक है। तो आप अपन इसको तो ठीक है OTP आ गया। अब सबसे OTP डालने से पहले अपना पासवर्ड डाल देते हैं और जो OTP आया वो अब हम यहाँ पे डालेंगे 50401 और ये लॉगिन पे क्लिक कर देंगे तो ये अब खुल रहा है। ये अगर आप क्या बोलते हैं करेंसी वगैरह और MCX में ट्रेड करते हो तो ये सब पे क्लिक कर सकते हो, मैं अभी इन पे ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले करता था लेकिन अब मैंने बंद कर दिया, अब मैं सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी इंडेक्स में करता हूँ। तो देख पा रहे हो आप ये जो आप समय देख रहे हो इतना समय जरूर लगेगा, जैसे आप दूसरे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं वो फटाक से ओपन हो जाते हैं, इसमें समय जरूर लगेगा और कुछ तो कमी का कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें डीमैट अकाउंट खुलाना भी फ्री है, मेंटेनेंस चार्ज भी फ्री है और फिर इसमें ट्रेडिंग भी फ्री है, तो आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, मतलब ये आपको ये 5-10 मिनट आपको इसको खोलने में लग जाते हैं, जैसे कि अब ये देख पा रहे हो ये खुल रहा है। ये खुल गया है, तो जैसे कि आप जब पहली बार इसको खोलेंगे तो ये इस प्रकार नहीं खुला रहेगा, ये बिल्कुल खाली मिलेगा आपको। ये तो मैंने जमा रखा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो एक ही स्क्रीन पे देख रहे हो, ये इंडेक्स है और ये नेट पोजीशन इधर दिखाई दे रही है, ऑर्डर आप इधर ही एक ही स्क्रीन पे सब देख सकते हो और ये ऑप्शन चेन है, तो ऑप्शन चेन जैसे अपन को देखनी है निफ्टी की तो निफ्टी पे क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट ओ दबाएंगे तो ये आपकी ऑप्शन चेन खुल गई है और यहाँ पे आप अपनी एक्सपायरी की जो नज़दीकी एक्सपायरी में जो ट्रेड कर रहे हैं उस पर क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं अगर आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करना है वाली स्ट्राइक प्राइस पे, तो आप यहाँ से अपना डेट सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से आप अपने कॉलम बढ़ा सकते हो कितनी डे, जैसे कि आप 20 ट्रक दो तो इसमें क्या है कि मैक्सिमम, क्योंकि इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो जीरोधा में आती है कि OTM बाय नहीं कर सकते, इसमें ऐसा
कोई दिक्कत नहीं, आप कितना भी ये जो 1-2 रुपए वाले ये भी आप बाय कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये सब मैं बेनिफिट बता रहा हूँ, इतने सारे बेनिफिट है जो आपको दूसरी कंपनियाँ नहीं देती है। और इसकी मैं तारीफ कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि इसने मुझे कोई स्पेशल इसका स्पॉन्सरशिप मिली हुई है। आप मुझे पता ही है 10-20 लोग तो मुझे देखते हैं, मेरा कोई इतना बड़ा यूट्यूब चैनल नहीं है जो मेरे को स्पॉन्सरशिप मिली हो। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो सभी जने सभी यूट्यूब पे आप देख रहे हो कि धन ऐप का ज़बरदस्त एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, तो वो उनको स्पॉन्सरशिप मिली हुई इसलिए वो धन का एडवर्टाइज हो रहा है। नहीं तो सभी को पता है कि जीरोधा तो सबसे बेस्ट है, धन भी बेस्ट है, लेकिन मतलब जीरोधा जितने भी बड़े यूट्यूबर जीरोधा का यूज़ करते हैं, लेकिन धन ऐप का भी एडवर्टाइजमेंट वो जो अपना एडवर्टाइजमेंट जो उनको स्पॉन्सरशिप ज़्यादा दे रही है इसलिए वो धन ऐप का भी एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो मैं इधर फिनविजा का एडवर्टाइज कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे स्पॉन्सरशिप मिली हुई है या मेरे कोई मिलने वाले की कोई कंपनी है जो मैं इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ। ये मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो ठीक है, अब मेन बात आएगी कि ये टर्मिनल खोलेंगे तो चार्ट किधर देखेंगे, तो चार्ट इधर इसमें भी देख सकते हैं लेकिन इसमें बहुत ही घटिया सा चार्ट दिखता है, तो कोई मतलब नहीं, आपको यहाँ पे चार्ट नहीं देखना, अपन को अपना ब्राउज़र जहाँ ट्रेडिंग व्यू पे अपने चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। और जो सोचता है कि मैं चार्ट के साथ ट्रेड वो मुझे वो भी देखना ऑप्शन चेन एक ही स्क्रीन पे, मतलब ये तो आप इसको मिनिमाइज करके ये इसको भी मिनिमाइज ये एक ही स्क्रीन पे आप यहाँ पे इस तरह से लगा सकते हो। ये अब आप जैसा देख पा रहे हो कि ये तो बहुत छोटा सा दिख रहा है, तो छोटा ये शिफ्ट एफ के साथ ये बड़ा करके आप जो भी अपनी ट्रेड लाइन ड्रॉ करना चाहते हो पहले ड्रॉ करके रखो। जैसे कि मान लो अगर आपने ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जो ड्रॉ करके रखने हैं वो आप पहले से बना के पूरा प्लान बना के बैठो, और जब ट्रेड करना हो तो बस ये बस आपको इतनी सिक पे नज़र रखनी है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन चेंज ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे अपनी पोजीशन लेनी है। तो मेन बात ये है कि ये जिनका ये जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सा टर्मिनल मतलब किस तरह का दिख रहा है, क्योंकि वो ज़्यादातर जब सब वेब ब्राउज़र यूज़ करते थे, मैं बता दूँ कि ये दिख थोड़ा अजीब सा रहा है, लेकिन ये अगर आपके आस पर हाथ जम जाएगा तो ये आपके बहुत काम का रहेगा, क्योंकि वेब ब्राउज़र में आप हाथों हाथ ऑप्शन चेन एक ही स्क्रीन पर इंडेक्स भी इधर देख सकते हो और इधर नेट पोजिशन ऑर्डर ये सब एक ही स्क्रीन पर देख सकते हो, इसमें देख सकते हो, ये वेब ब्राउज़र में आप नहीं देख सकते हो। मतलब वेब जिसमें आप अपन ट्रेडिंग करते हैं ना, जैसे जीरोधा का जो रहता है इंटरफेस, उसमें ऐसा सिस्टम नहीं रहता कि आप सब कुछ एक स्क्रीन पर देख सको, तो ये आप अपने पीसी टर्मिनल पर देख सकते हो। इसलिए मैं बार बार इसी की बात कर रहा हूँ कि पीसी टर्मिनल सबसे बेस्ट रहता है, और जो भी मेरे ख्याल से जो अनुभव वाले आदमी है मेरे ख्याल से वो सभी वो पीसी टर्मिनल ही यूज़ करते हैं। हर कंपनी का पीसी टर्मिनल आता है, जीरोधा का भी पहले आता था जो बंद हो चुका है किसी कारण से, क्योंकि उसका वेब ब्राउज़र भी बहुत अच्छा है, तो कोई बात नहीं, लेकिन मतलब बहुत सी कंपनी अपना एक अलग से पीसी सॉफ्टवेयर देती है। लेते हैं जैसे कि अगर यहाँ से आपको कोई पोजीशन लेनी हो तो किस तरह से ली जाएगी, तो जैसे मैं बात करता हूँ कि निफ्टी 18350 जो कि ATM है, तो अगर ये बाय करना है अपन को तो ये यहाँ पे जो आप ब्लू कलर जैसे शो हो रहा है ये मैंने ये बता रहा है कि आज के प्राइस बिट प्राइस ये अपने हिसाब से यहाँ पे कॉलम सेट कर सकते हो, वो तो आपको समझ में आ जाएगा जब इंस्टॉल करोगे। तो पहले तो जो मैं बता देता हूँ कि किस तरह से बाय करेंगे कि डबल क्लिक करेंगे ब्लू कलर जब आएगा तो इस पर बाय होएगा, और ये जो रहता है ये जो रेड कलर जो नज़र आ रहा था नारंगी कलर का ये इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से सेल हो जाएगा। मतलब यहाँ से अगर आपको ये प्राइस शॉर्ट करनी हो तो यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हो इसको डायरेक्ट, और अगर आपने पहले से बाय कर रखा है तो आपको ये जो नेट पोजीशन यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे करंट टाइम पे दिखाएगा, यहाँ से आपको वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी। ये जो आप PNL देख रहे हो यहाँ पे PNL आएगा, यहाँ से आप अपनी इसको ये स्क्वायर ऑफ ये लेफ्ट ये लेफ्ट अपने माउस पे लेफ्ट क्लिक करके यहाँ से स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। तो मतलब इसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत थोड़ी पड़ेगी, मतलब आपको 1-2 दिन का समय ज़रूर लगेगा, ऐसा नहीं कि आपने डीमैट अकाउंट खुलाते ही आप एकदम प्रोफेशनल की तरह ट्रेड करने लग जाओगे, ऐसा नहीं है, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले तो अपना डीमैट अकाउंट खुलवाओ और उसमें पहले फ़ंड कैसे ऐड करते हैं ये देखो, और फ़ंड कैसे निकालते हैं वापस विड्रॉल करके भी देखो, और उसमें वो प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से उनकी वो क्या बोलते हैं उसकी, जैसे कि आप देखते हो कि जीरोधा का कंसोल इतना शानदार बना हुआ है, ऐसा इसमें इतना शानदार नहीं है, लेकिन इसमें ये सब आप थोड़ा एक्सपीरियंस लो जिसमें आपके 6-7 दिन ज़रूर वेस्ट होंगे, मतलब ये आप थोड़ा बहुत सीखने के बाद फिर अपना जो भारी फंड ऐड करना है जो भी आपको मान लो 20 लाख 30 लाख वो बाद में ऐड करना,
पहले आप थोड़ा सा कम फंड ऐड करके पहले इसके फंक्शन सीखो। बाकी ये ट्रस्टेड कंपनी, ऐसा नहीं है कि कंपनी अचानक बंद हो जाएगी, बहुत पुरानी कंपनी है और सेबी रजिस्टर कंपनी है, तो वो बात तो आप छोड़ दोगे, ऐसा कुछ हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है। पर मैं बता रहा हूँ कि थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी अगर आप पीसी टर्मिनल यूज़ करते हो तो। अब मैं आपने डीमैट अकाउंट खुलवा दिया है और आप ट्रेड कर रहे हो, और अगर आपको अपने फाइनेंशियल लेजर देखना है, जैसे कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, क्या चल रहा है, वो सब कुछ देखना है, तो उसके लिए अपन को गूगल पे फिनविजिया टाइप करना होगा और जो पहले नंबर का जो लिंक खुलेगा उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो लॉगिन पे क्लिक करेंगे और ये जो देख पा रहे हो जो 2022-23 जो लिखा हुआ है बैक ऑफिस, अगर ये शून्य पे क्लिक करेंगे तो आप इसके वेब ब्राउज़र में चले जाओगे जहाँ पे अपन ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो अपन को इस पे जाना है अगर फाइनेंशियल लेजर देखना है, मतलब अपना प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्ड देखना है, तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे इसमें बना लेना। अगर जैसे आपको लॉगिन करने में दिक्कत आ रही है तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके आप अपना नया पासवर्ड बना लेना। इसमें भी लॉगिन होने में टाइम लगता है, मतलब आप ऐसा मत सोचना कि ये इतना स्मूथ क्यों नहीं है, तो ये थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे कि ये अब खुल गया है, अब आप यहाँ पे ये जो रिपोर्ट है देख पा रहे हो आप, ये रिपोर्ट इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो डेरिवेटिव लिख रखा होगा कहीं उस रिपोर्ट, यहाँ से आपको जितना भी देखना हो और यहाँ पे आपको जो भी डेट सेलेक्ट जहाँ से जहाँ तक का देखना है वो यहाँ पे सेलेक्ट करके ऐसे, और किस में देखना है, FNO में, वैसे तो FNO वाले ही रहेंगे जो भी इस पर ट्रेड करेंगे, ये अपना सेलेक्ट करके जो है आप ये आई का आइकन देख रहे हो इस पर क्लिक कर दो तो आपकी रिपोर्ट यहाँ पे निकल जाएगी, जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो।